हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पूरी भाजी, जिसके लिए मैंने 250 ग्राम आलू लिया है, 3 हरी मिर्ची, एक प्याज बारीक कट की हुई, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच नमक, एक चम्मच हल्दी, आधा चम्मच जीरा, एक चम्मच कांदा लहसुन मसाला, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, दो टमाटर बारीक कट किए हुए। चलिए, सब में पहले हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। देखिए, तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जीरा डालेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे, प्याज डालेंगे और इसे हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे। देखिए, प्याज हो चुकी है। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे, कांदा लहसुन मसाला, गरम मसाला, नमक और टमाटर डाल देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए, मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें एक ग्लास पानी डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, चलिए अब हम इसमें आलू डालते हैं। आलू को हमें हाथों की मदद से तोड़कर डालना होगा। अब हम इसे ढककर 5 मिनट पका लेंगे। देखिए, भाजी पक चुकी है। अब हम इसमें कट किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। चलिए, अब हम पूरी बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने गेहूं का आटा गूंद के ले लिया है। सब में पहले हम कढ़ाई में तेल गरम के लिए रखेंगे। चलिए, अब हम पूरी बना लेते हैं। पहले हम थोड़ा सा आटा निकाल लेंगे। अब हम आटे पर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसे बेल लेंगे। चलिए, अब हम इसे तल लेते हैं। इसे थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे। देखिए, पूरी हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।